मध्य प्रदेश में स्टूडेंट अब लोगों की भावनाओं की परख करेंगे। बता दें कि 8वीं से 12वीं के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसकी मदद से बच्चे लोगों की भावनाओं का विश्लेषण यानी कि सेंटीमेंट एनालिसिस करना सीखेंगे। एआई टेक्निक को क्रिएटिव तरीके से और लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना सिखाया जाएगा। स्कूलों में ये कोर्स शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। इस संबंध में सोमवार को भोपाल में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वहीं स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि पहले राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की EFA स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू होगा। प्रदेश में इसी सत्र से 53 EFA स्कूलों में AI एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। वहीं कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकेंगे। वहीं खुद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार भी करेंगे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां स्टूडेंट को AI सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 240 घंटों के AI पाठ्यक्रम की कक्षा 8वीं से 12वीं तक की पुस्तकें और टीचर्स हैंडबुक उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही एक साल तक माइक्रोसॉफ्ट को टीचर ही स्कूलों में इसे पढ़ाएंगे। इस दौरान स्कूलों में मैथ्स और फिजिक्स के टीचर्स को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।